नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे, आपका स्वागत करने के साथ, जैसा मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बात कर रहे थे हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। इसके पहले भी हमने जानकारी दी आपको, काफी सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर बताया कि सीट बेल्ट ना लगाने पर या हेलमेट ना पहनने पर आपको फाइन क्या होगा, ओवर स्पीडिंग में क्या फाइन होगा, तो ये सारी चीजों के बारे में बात की। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 बहुत ही बेहतरीन कानून में जो अमेंडमेंट हुआ, उसी के कानून के बारे में हम लोग बात करें कि क्या बदलाव हुआ है। इसमें यह भी बदलाव हुआ है कि जो खराब सड़कों पर आप जाते थे, उन सड़कों को जो बनाने की जिनकी जवाबदारी थी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी मैं कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या सिविल एजेंसीज की बात कर रहा हूं, उन बिल्डर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने उन रोडों को कंस्ट्रक्ट किया है, अब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इस कानून के द्वारा बन गई है। मतलब अगर वो खराब सड़कें बनाएंगे, फॉल्टी डिजाइन देंगे, घटिया डिजाइन देंगे, या कि उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसकी क्वालिटी खराब है, इसके साथ ही अगर उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट होता है रोड को 3 साल या 5 साल मेंटेन करने का, अगर उन्होंने पुअर मेंटेनेंस भी बना के रखा, तो इस कंडीशन पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्टर है या कंसल्टेंट है या सिविक एजेंसी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट, उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा और उनसे भी कंपनसेशन या मुआवजे की रकम वसूली जा सकती है, और अगर बेहतर हुआ तो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस भी चलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर आपके यहाँ की सड़कें खराब हैं तो निश्चित रूप से ये जो अमेंडमेंट बिल है आपके काफी फायदे का है, जहां पर आप शिकायत करके अपनी सड़कों को भी ठीक करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन है कि अगर इस प्रकार के एक्सीडेंट पर्टिकुलर उन रोड की वजह से हुए हैं जो जिनका मेंटेनेंस प्रॉपरली किया नहीं गया, या कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट या सिविक एजेंसी या बिल्डर ने उनका डिजाइन फॉल्टी बनाया था, या बेहतर वो नहीं थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो आप उनके अगेंस्ट में केस फाइल भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसके पहले जो रोड एक्सीडेंट होते थे वहां पर जो कंपनसेशन के लिए मुआवजे की जो राशि थी वो तय करने में काफी ज्यादा समय लग जाता था। जी हाँ, आप एक रास्ते से जा रहे हैं, आपका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, आपने FIR लिखवाई, फिर चालान पेश होता था कोर्ट में, ये होते होते लगभग 6 से 7 साल भर का समय चला जाता था, फिर एविडेंसेस शुरू होते थे और ये सब होते होते मेरा पूरा केस जब खत्म होता था लगभग 1 साल 2 साल का समय चला जाता था। कानून बदला और इस नए अमेंडमेंट में ये प्रावधान कर दिया गया कि जो लिमिट है कंपनसेशन अवार्ड करने की, तो जो भी ट्रिब्यूनल है वो जो ट्रिब्यूनल मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल है वो 6 महीने के अंदर आपको कंपनसेशन अवार्ड करें, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सीडेंट ये 6 महीने के अंदर उनको मुआवजे की रकम देनी पड़ेगी, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या प्राइवेट पर्सन की गलती जिन्होंने इंश्योरेंस गाड़ी को नहीं करा के रखा। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर अगर आपने अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं कराया, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस कराने में गाड़ी में लापरवाही करते हैं, तो अगर आपकी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया है तो करा लीजिए, क्योंकि पकड़े जाने पे 2,000 रुपए आपको फाइन या जुर्माना भी इस नए कानून के अंतर्गत देना पड़ सकता है। पहले आपकी गाड़ियां चल जाती थी, कम मुआवजे में आप छूट जाते थे, बच जाते थे, लेकिन अब आपके पास में कोई बचने का ऑप्शन नहीं है। आपको कम से कम अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो 2,000 रुपए की पेनाल्टी आपको लगेगी। इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि रोड एक्सीडेंट जो केसेस होते थे कंपनसेशन या मुआवजे की राशि, तो इसके लिए अब लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि लगभग 6 महीने के अंदर ही आपके केस को सेटल किया जाएगा कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, और जहां पर पहले एक कैप का सिस्टम था, कैप का मतलब क्या हुआ कि अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लायबिलिटी होती है या किसी प्रकार का डैमेज होता है, तो 2016 का जो बिल था मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडेड बिल, तो उसमें 10 लाख रुपए जहां पर किसी की डेथ हो जाती और लेकिन अगर कहीं पे सीरियस दुर्घटना हो गई है या ग्रेवियस इंजरी हो गई है, तो इस कंडीशन पे 5 लाख रुपए ग्रेवियस हर्ट के लिए प्रदान किया जाता था, दिया जाता था। इस कैप को हटा दिया गया। अब डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर और ट्रिब्यूनल के ऊपर, ये रकम उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि केस कितना है, कितनी इंजरी हुई है, किस पर्सन को, किस उम्र के व्यक्ति को इंजरी हुई है। तो ये सारी चीजें इस बिल से रिमूव
हो गई जहां पे कैपिंग सिस्टम था, मतलब 5 लाख और 10 लाख की, जहां ग्रेवियस हर्ट या परमानेंट आपकी डेथ हो जाती थी। इस कंडीशन पे ये 5 लाख और 10 लाख की जो व्यवस्था 2016 के अमेंडेड बिल में थी मोटर व्हीकल एक्ट के, उसे हटा दिया गया। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब ट्रिब्यूनल और कोर्ट के ऊपर डिटरमाइन करेगा, डिपेंड करेगा कि वो आपके अवार्ड या कंपनसेशन की राशि को सॉल्व करें, और जो भी आपको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। इसके साथ ही हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहते थे, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ व्हाट्सअप का मेरा मेंशन है। ये केवल और केवल अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमने मेंशन किया है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको कोई असुविधा हो रही है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मुझे बात करने के लिए। इसके साथ ही जो अपॉइंटमेंट लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लिंक के थ्रू जाके अपॉइंटमेंट बुक करिए और मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप मुझे बताइए, आपकी जानकारी कैसी लगी निश्चित रूप से मुझे बताइए। इसके साथ ही साथ आप सभी का जो महत्वपूर्ण और कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।